आजादी मार्च के सियासी हल के लिए हुकूमत ने मामला पार्लियामेंट में लाने का फैसला कर लिया। स्पीकर ने कौमी असेंबली का इजलास 7 नवंबर को तलब कर लिया। वजीर आजम भी शिरकत करेंगे और खिताब करेंगे। हुकूमत ने आज़ादी मार्च का मामला पार्लियामेंट में लाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में सैनेट और कौमी असम्बली दोनों ऐवानों में ये मामला उठाया जाएगा, जबकि वफाकी हुकूमत की मुशावरत से कौमी असम्बली का इजलास 7 नवंबर की शाम 4 बजे तलब किया गया है। वजीर आजम इमरान खान भी इजलास में खसूसी शिरकत करेंगे। हुकूमत ने फैसला किया है कि इजलास में अपोजिशन को बात करने का भरपूर मौका फराहम किया जाएगा और आज़ादी मार्च से मुतालिक खुलकर बहस होगी। इसके अलावा कौमी असेंबली के इजलास में हुकूमती कारकर्दगी और धरने के मकासद पर भी बातचीत होगी, जबकि वजीर आज़म इमरान खान भी इजलास में अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे। इस्लामाबाद के पिशावर मोड़ पर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से गुज़िश्ता रोज से धरना जारी है और इस धरने को तमाम अपोजिशन जमातों की हिमायत हासिल है। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से धरने के खात्मे की कोशिशें भी जारी हैं, ताहम इनमें भी अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई।